आज के वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे इस पे बात करेंगे कि आने वाले टाइम में पॉलिटेक्निक की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी, बहुत ही तेजी से पॉलिटेक्निक की डिमांड बढ़ेगी। उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूंगा, अगर फर्स्ट टाइम पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लो, ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि क्या होगा, पॉलिटेक्निक की डिमांड क्यों बढ़ेगी। देखो, आने वाला टाइम ना कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों को तो छोड़ दो, ये तो अपने पीक पॉइंट पे चली रहे हैं, इन दोनों की मार्केट वैल्यू बढ़ी रही है। अब उसके अलावा जो अदर इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग के जो ट्रेड है ना, इनकी भी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी। अब क्यों बढ़ेगी ये मैं बता दूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि देखो, इंजीनियरिंग आप किसी भी ट्रेड से कर रहे हो ना, आने वाले वक्त में इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है, शायद आपके लिए जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। बार बार मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, स्किल्ड लोग वही होते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जिनको टेक्निकल नॉलेज होता है, जिनको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है। तो पॉलिटेक्निक कर रहे हो तो ये चीज़ें अपने अंदर एड ऑन कर लो, क्योंकि बिना इन चीज़ों के आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट इंडस्ट्री की तो चलो ठीक है, कुछ पॉइंट इसमें से हट जाएंगे, लेकिन अगर आपको प्राइवेट इंडस्ट्री में जाना है, हाई पेड सैलरी जॉब लेनी, तो इन सारी चीज़ों पे वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं कि डिमांड क्यों बढ़ेगी। आने वाला समय जो पॉलिटेक्निक वालों के लिए बहुत क्रूशियल टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि देखो कोरोना के बाद चीज़ें अब सही हो रही हैं। जो सिविल इंजीनियरिंग, सिविल के कंस्ट्रक्शन के वर्क जो थे पूरी तरह से ठप हो गए थे, एक भी चीज़ें नहीं थी, सिविल इंजीनियर्स घर बैठ गए थे, चीज़ें सही से नहीं हो रही थी, लेकिन अब सिविल इंजीनियरिंग की मार्केट खुल गई है, कंस्ट्रक्शन का वर्क स्टार्ट हो गया, प्रोजेक्ट्स आने स्टार्ट हो गए, इंडिया से बाहर हर जगह प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस तरह से 3-4 सालों में आप सिविल इंजीनियरिंग, जब तक आप पास आउट होगे पॉलिटेक्निक, तब तक इतनी ज़्यादा डिमांड होगी, शायद आपके लिए अप्रेंटिस करना ईजी हो जाएगा, शायद आपके लिए जॉब लेना ईजी हो जाएगा। आने वाला वक्त में डिजिटलाइजेशन हो रहा चीज़ें, तो चीज़ें और भी आसान होंगी। उसी सेकेंड फेज में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब देखो, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, चाहे वो सेमीकंडक्टर बनाने आ रही हैं, बहुत सारी कंपनियां सेमीकंडक्टर अगर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगा रही हैं, तो इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का क्रेज बढ़ेगा और सबसे ज़्यादा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होल्डर्स की डिमांड होगी। तो ये माइंडसेट में रख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए भी आने वाला समय बहुत अच्छा होने वाला है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाइज मॉडिफिकेशन हो रहा। सिस्का एलईडी जब आया था तो एक नया चेंजेस, एक नया रेवोल्यूशन लेकर के आया था, उसी तरह से और भी टेक्नोलॉजी आई, एआई का यूज होकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें भी चीज़ें आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और शायद आपका करियर नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात कर लें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ईवी की मार्केट आ रही है, और भी आईओटी है, कई सारी और चीज़ें एड ऑन हो रही हैं, सॉफ्टवेयर की मदद से चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपग्रेड की जा रही हैं, तो वहाँ पर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ेगा। उसके अलावा अगर हम केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें, तो केमिकल इंजीनियरिंग वेपन्स बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी और चीज़ें भी और बनाई जा रही हैं, तो केमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। अब देखो, सीएसआईटी तो है ही है सदाबहार, अभी इस टाइम तो सीएसआईटी को मतलब ले लो। अब स्पेशलाइजेशन अगर आप किसी भी चीज़ में लेते हो, अब अगर पॉलिटेक्निक आप करते हो, सही से कर लेते हो, तो शायद आपकी डिमांड इतनी ज़्यादा होगी आपकी, उसकी वैल्यू आपको खुद नहीं पता होगी। लेकिन हाँ, एक वर्ड मैं हमेशा यूज कर रहा हूँ, स्किल्ड होना पड़ेगा। स्किल आपके अंदर नहीं है तो शायद चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर पाएंगी। अगर आपका स्किल अपग्रेड नहीं है, स्किल पे अगर आपने काम नहीं किया, तो शायद चीज़ें आपके लिए मतलब समझ से बाहर हो जाएंगी, आप समझ नहीं पाओगे कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी, जब आप स्किल्ड होगे तभी जा कर के लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, आपका करियर बहुत दूर तक जा सकता है और आप अपने करियर में बहुत आगे तक लेके जा सकते हो चीज़ें। देखो, पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे इस तरह से वीडियोस आती रहेंगी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल जो है ना, उसको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करो, वीडियोस को शेयर करो, अपने पर्सनल ओपिनियंस लगाओ, सब लोग जुड़े रहो चैनल पे। ड्यूरिंग पढ़ाई सब लोगों को अच्छी अच्छी बातें पता चलती रहेंगी। अब इस चैनल पे इंडस्ट्री से रिलेटेड भी चीज़ें पता चलेंगी, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मैकेनिकल वाले कहाँ जा सकते हैं, कौन से सिविल वाले किस इंडस्ट्री में जाएँ, ये सारी वीडियोज़ भी आप लोगों को प्रोवाइड होती रहेंगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। होप गाइस वीडियो आपको समझ में आया होगा, और बस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।